सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आखिर हम स्क्रैच बुक से कैसे अपने बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। वैसे तो फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने का आप लोग को ट्रिक मालूम होगा, लेकिन YouTube पर भी बहुत ज़्यादा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। बट आखिर स्क्रैच बुक से अपने फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और कमेंट आता है आप लोग का कि बैकग्राउंड आखिर हम डाउनलोड कहाँ से करें। तीन सेफली जगह है जहाँ से आप लोग अपना बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट में है Pinterest, यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बेस्ट आप लोग को CV बैकग्राउंड आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्टेप मेरा फेवरेट है, मैं क्रोम से डाउनलोड करता हूँ। क्रोम से आप लोग को PNG बैकग्राउंड भी आप लोग को जो चाहिए वो क्रोम से मिल जाता है। और तीसरा स्टेप है आप लोग को PNG और बैकग्राउंड HD क्वालिटी में ट्रांसपेरेंट में मिल, जिस ऐप का नाम है इमेज डाउनलोडर, ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलो बैकग्राउंड तो डाउनलोड करने आ गया, अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट में कि स्क्रैच बुक से आखिर हम बैकग्राउंड को चेंज कैसे करेंगे। चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग को लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग फोन को पहले रोटेट करके अच्छे तरीके से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले अपने फोटो को, जो फोटो का हमारा बैकग्राउंड चेंज करना है, सबसे पहले फोटो को शेयर कर देंगे यहाँ से स्क्रैच बुक में, जिससे हमको करना है, ठीक है। स्क्रैच बुक में शेयर करने के बाद देख सकते हैं मेरा फोटो अच्छे तरीके से ओपन हो चुका है स्क्रैच बुक में। यहाँ पे बहुत सारा ऊपर ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें से आप लोग को पहले क्लिक करना होगा ब्रश वाले टूल पे। तो ठीक है, ब्रश वाले टूल पे क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा आप लोग को ब्रश मिल जाएगा। इसमें से आप लोग कौन सा ब्रश चूज करना है, आप लोग को इस वाले इरेजर सॉफ्ट इरेजर 1 को चूज सेलेक्ट करना है। सेटिंग पर क्लिक करके स्मूथ पर क्लिक करना है, ऊपर यहाँ से इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इरेजर लिखा होगा उसमें इरेजर पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ साइज को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और फॉलो जो होगा उसको पूरा 100 रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ से 100 रखने के बाद बैकग्राउंड में थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, और थोड़ा सा ही ड्रॉ करेंगे, जैसे ऊपर टाइप में हम हल्का ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमारा अच्छे तरीके से बैकग्राउंड चेंज करने में मदद मिल पाए, ठीक है। और यहाँ से आराम से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना है, जैसे हम ऊपर में ही ड्रॉ करेंगे, हम हल्का सा ही, पूरा फुल ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ करने बाद क्या करना होगा आप लोगों से, यहाँ से सिंपली यहाँ से ऊपर पड़काल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से इंपोर्ट इमेज पर क्लिक करना है, ठीक। इंपोर्ट इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, पड़काल वाले पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से इंपोर्ट इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से आप लोग का कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, जैसे जो बैकग्राउंड हमको बैकग्राउंड में रखना है, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ से सिंपली यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है। इसका लेयर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप लोग को ऊपर वाले लेयर को नीचे ड्रैग कर देना है, जैसे बैकग्राउंड में हमारा देख सकते हैं कितना कमाल तरीके से बैकग्राउंड में कलर हो रहा है, जैसे हम पिक्सआर्ट में स्नैपशीट में करते हैं, ठीक है, देख सकते हैं कितना कमाल तरीके से हो रहा है। इसको फोटो को जूम करके उसी ब्रश को अच्छे तरीके से चलाना है पूरे बैकग्राउंड में, जिससे हमारा फोटो में अच्छे तरीके से बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो देख सकते हैं कितना कमाल तरीके से हो चुका है। उसके बाद आराम से आप लोग को पूरे फेस में, मतलब बैकग्राउंड में चलाना है, फेस और स्किन को छोड़कर अपने बैकग्राउंड में चलाना है, ठीक है। अभी एंड तक देखिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है आप लोग को वीडियो में, देख सकते हैं आराम से आप लोग चलाना है। और पूरे बैकग्राउंड में चलाने के बाद क्या करना होगा, यहाँ से आप लोग को लेयर पर क्लिक करना है, और इस लेयर को ऑफ करके दिखाते हैं, देख सकते हैं आई पर क्लिक कीजिएगा तो ऑफ होगा, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं जिसको आप ऑफ करते हैं वो गायब हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, फिर से यहाँ से पड़काल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इंपोर्ट इमेज पे, और दूसरे बैकग्राउंड को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी बैकग्राउंड एक और सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला बैकग्राउंड, इसको भी ऊपर की ओर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ड्रैग करने के बाद फिर से यहाँ से डन करके और इसको नीचे की ओर ड्रैग कर देना है, ठीक है। जिसको हम नीचे रखेंगे, जैसे फोटो का लेयर जो होगा, फोटो का लेयर जो होगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। जो फोटो का लेयर के नीचे रहेगा जो बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड में दिखाई देगा। देख सकते हैं कितना कमाल तरीके से हो चुका है। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।